यहाँ पे गेट लगा देते और बंद कर देते और इसको निकाल देते। क्या लगता नहीं है महानगर पालिका के अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही है? हम वो क्लियर कर, शिकायत करने पर आपको दिखाई नहीं, दे नहीं, नहीं। बोला था कॉन्ट्रैक्टर पहली बार तो पूरा वसई विरार का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है ये लोग, दूसरों को फाइन लगाती है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना चाहिए, डेंगू का मच्छर फैलता है, ये फैलता है। आप इधर अंदर जाएंगे तो ऐसे बहुत से टैंक्स दिखेंगे आपको। पालिका को गार्डन रिजर्वेशन डेवलप करने में भी कुछ इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। एक अच्छा एरिया है, मॉल है बाजू। वसई विरार महानगर पालिका परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित जमीन इसलिए की जाती है ताकि उन आरक्षित हुई जमीनों पर डेवलपमेंट प्लान को बिठाया जा सके, यानी वहाँ पर क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर अस्पताल, कॉलेज या कोई हॉस्पिटल आदि बनाया जा सके, उसका लाभ आम जनता ले सके, उसकी सुविधा सीधे सीधे तौर पे आम जनता तक पहुँच सके। लेकिन वो ऐसी कई आरक्षित जमीन है जहाँ पर आज अतिक्रमण हो चुका है। एक ऐसा ही उदाहरण आज नालासोपारा के कैपिटल मॉल के ठीक पीछे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये आरक्षित ज़मीन है जहाँ पर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है, कचरा डंप किया जा रहा है। जहाँ पर कचरा डंप करने की कोई अनुमति नहीं है वहाँ पर कचरा डंप होने के कारण आसपास के रहवासियों की शिकायत है कि इसका दूषित इसके वायु से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरह दूषित हो चुका है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं और आसपास के इलाके की वजह से, खासकर कैपिटल मॉल है जहाँ हज़ारों लोग आते हैं, इसका वायुमंडल आसपास के इलाकों में इतना फैल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर रहवासी रहना उनका दूभर हो रहा है। इस बात की शिकायत स्वराज अभियान के कार्यकर्ता के पास पहुंचती है, तभी वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर धनंजय विट्ठल गावड़े जो स्वराज अभियान के अध्यक्ष हैं उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने जब इस पूरे मामले की सूचना उनकर दी तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया और कहा घटनास्थल पर पहुंचने के लिए। वहां पर स्वराज अभियान के अध्यक्ष धनंजय विट्ठल गावड़े भी तत्काल वहां पहुंचते हैं और अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने ये कैसे हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। इस पूरे मामले को फटकार लगाते हुए जैसे ही धनंजय गावड़े कहने लगे तो अधिकारी ने तुरंत कहा कि हम निश्चित रूप से इस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र नाइक जो अधिकारी वहां पर उपस्थित थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। यहां पे अधिकारी महोदय हैं लेकिन वो बातचीत करने के लिए और कैमरे पे जवाब देने के लिए नहीं आ रहे हैं। बोला लेकिन आपको पता नहीं कि आपके आंखों के सामने ऐसा हो रहा है लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग? मैंने उसने मना किया है, मैं भी उनके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। ये कैसी जमीन है? रिजर्वेशन जमीन है। हाँ, म्युनिसिपैलिटी की जगह इस पर प्राइवेट लोग अपना कचरा और बहुत सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे गेट लगा देते और बंद कर देते और इसको निकाल देते। क्या अगर आज धनंजय गावड़े अगर आज दिखाते नहीं ये अव्यवस्था पर शिकायत तो नहीं होता, तब आप लोगों को दिखाई नहीं देता? आज दिखाई दिया तो आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्या लगता नहीं है महानगर पालिका के अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही है? हम वो क्लियर कर, शिकायत करने पर आपको दिखाई नहीं? हमको मालूम, हमने देखा था, उसको बोला था कि यहाँ पे नहीं डालना। किसको बोला था? कॉन्ट्रैक्टर को। कौन है कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर विलास करके। तो विलास पर कार्रवाई करेंगे? हाँ, कैसी कार्रवाई? ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कार्रवाई होगी? हमारे ऑफिसर से बात करता हूँ ना। अभी आप बात करेंगे? कार्रवाई वो करेंगे ना। इस पूरे मामले को गंभीरता से जब अधिकारी ने तब लिया जब धनंजय विट्ठल गावड़े वहाँ पहुँचते हैं, एक्शन की बात करते हैं, पूरे मामले को सामने से दिखाते हैं। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये उसी स्थान की। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि मामला अत्यधिक गंभीर है। एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको इस वीडियो में, जहां पर गाड़ी पूरी तरह कचरे को लेते जाती हुई नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि यहां पर जो ये तालाब नुमा चीज़ें दिखाई दे रही है, तालाब नुमा जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पर बच्चे जाकर खेलते भी हैं। ऐसे में इस पानी से कितना दूषण, कितना प्रदूषण हो सकता है ये तो बात आप समझ ही सकते हैं। इस पूरे मामले पर स्थानीय स्वराज अभियान के कार्यकर्ता ने क्या कुछ बताया वो सुनिए, साथ ही सुनिए धनंजय विट्ठल गावड़े ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। अभी यहाँ पे इसके ठीक सामने कोई भी फ्लैट ले रहा है, 50-60 लाख का फ्लैट ले रहा है और उस फ्लैट में कोई भी सुबह खिड़की खुलेगा और ये बदबू, ये गंदगी देखने के लिए थोड़ी है। बरोबर। तो यहाँ के यशवंत युवा टाउनशिप के काफ़ी सोसाइटी के चेयरमैन और सदस्य ने मुझे आके बोला कि कार्तिक जी ऐसा सब है, तो मैं तुरंत मैंने हमारे अध्यक्ष साहब जो है गावड़े जी को मैंने हर चीज़ आके बताया। कुछ दिनों से ये सब मामला चालू है और हमारा जो मेंबर है कार्तिक लगातार इस चीज़ का, ये जो डंपिंग इलीगल डंपिंग चालू है इसका फॉलोअप ले रहा था लेकिन पालिका की तरफ से कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो आज हम लोग आए, अधिकारी को लेके आए और दिखाया उन लोग को कि जिस ढंग से डंपिंग हो रही है, एक्चुअली तो पहली बात तो पूरा वसई विरार का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है ये लोग ने, लेकिन आप देखोगे कि आप अगर अंदर जाओगे तो कुछ टैंक्स है, टैंक्स में पानी वैसे भरे का भरा हुआ है। पालिका दूसरों को फाइन लगाती है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना चाहिए, डेंगू का मच्छर फैलता है, ये फैलता है। आप इधर अंदर जाएंगे
तो ऐसे बहुत से टैंक्स दिखेंगे आप, आपके विजुअल में भी है वो, जहाँ तक मेरी जानकारी ये गार्डन रिजर्वेशन है। पालिका को गार्डन रिजर्वेशन डेवलप करने में भी कुछ इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। एक अच्छा एरिया है, मॉल है बाजू में जहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, रहवासी इलाका है यहाँ। एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पहले गुनाह फाइल करो, क्योंकि एक रेसिडेंट इलाके में आकर उन्होंने इलीगल डंपिंग किया है, जिससे इधर रहने वाले हजारों लोगों को हर रोज तकलीफ हो रही है। पहले साफ किया जाए, अंदर जो टैंक्स है वहाँ छोटे छोटे बच्चे, अभी कार्तिक नहीं बोला, छोटे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ पर, कोई डूब गया मर गया मालूम भी नहीं पड़ेगा, ऐसी हालत है नगर पालिका की। आरक्षित जमीनों पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आरक्षित जमीन जनता के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरक्षित जमीनों की वजह से जनता को सुविधाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही अतिक्रमण होता रहेगा, उनकी नाक के नीचे होता रहेगा, जो अधिकारी साफ तौर पे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये कैसे वसई विरार महानगर पालिका आगे चलायमान हो पाएगी। उनके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता रहेगा और ये चुपचाप अपनी आंखों में पट्टी बांध कर देखते रहेंगे क्या।